क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिनको हम इन नंबर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाए। सो पार्ट फर्स्ट है 2, 4, 3। सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2, 4, 3 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। सो 3 8 24 3 1 3, देन अगेन 3 3 2 6, 3 7 21, देन अगेन 3 3 9 27, अगेन 3 3 3 9, देन अगेन 3 3 1 3। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3। नाउ अब आप इस यहाँ पे इनकी ट्रिपलेट्स बनाइए। सो 1 ट्रिपलेट, और ये ट्रिपलेट तो बन ही नहीं रही क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हैं। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए। देयरफॉर 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नाउ कमिंग टू पार्ट सेकेंड 256। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो 2 1 2 2 2 4, बचा 1, 2 8 16, देन अगेन 2 2 6 12, 2 4 8, देन अगेन 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, देन अगेन 2 से करते हैं, 2 1 2, बचा 1, सो 2 6 12, देन अगेन 2 से करते हैं, 2 8 16, देन अगेन 2 2 4 8, देन अगेन 2 2 2 4, देन 2 1 2। सो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 256 के, टू कितनी बार अपेयर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 and × 2। Now make a triplets, 1 triplet, 2 triplet, और यहाँ पे इसकी तो triplet बन ही नहीं रही है। That means हमें इसको perfect cube बनाने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, 1 और 2 चाहिए रहेगा। Therefore 256 must be multiplied by 2 to make it a perfect cube. Now coming to part third, 72। So 72 के सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं।
सो हम टू से करते हैं सबसे पहले, टू थ्री जा सिक्स बचा वन, टू सिक्स जा ट्वेल्व, देन अगेन टू से करते हैं, टू वन जा टू बचा वन, टू एट जा सिक्सटीन, देन अगेन टू से, टू नाइन जा एटीन। नाउ ये टू से नहीं जाएगा तो हम किससे करेंगे, थ्री से, थ्री थ्री जा नाइन एंड थ्री वन जा थ्री। सो हमारे 72 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं क्या, टू का ट्रिपलेट तो बन रहा है बट थ्री का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। सो अगर हम 72 में थ्री का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। देयरफॉर 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 3 to make it perfect cube. Now coming to part 4, that is 675. So सबसे पहले हमें क्या करना है, 675 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। टू से तो होगा नहीं, देन हम थ्री से करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स बचा वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, देन अगेन थ्री से करते हैं, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, देन बचा वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, देन अगेन थ्री से करते हैं, थ्री टू जा सिक्स बचा वन, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। नाउ थ्री से नहीं जाएगा ये, अब हम फाइव से करते हैं, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एंड फाइव वन जा फाइव। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 equals to 3 into 3 into 3 into 5 into 5. So, यहाँ पे देखिए आपके triplets बन रहे हैं, 3 का triplet बन रहा है but 5 का triplet नहीं बन रहा। So, अगर हम 675 को 5 से multiply कर दें तो जो हमारा number आएगा वो कौन सा होगा, वो perfect cube number होगा। So, therefore 675 must be multiplied by 5 to make it perfect cube. Now coming to part 5, that is 100. So सबसे पहले हम 100 के क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। So 2, 2 5 जा 10, 0 का 0, then again 2, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, then अब ये 2 से नहीं जाएगा तो हम किससे लेंगे, 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. So prime factors of 100 क्या क्या होंगे, 100 equals to 2 into 2 into 5 into 5. So यहाँ पे देखिए आप triplet बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, 2 का triplet भी नहीं बन रहा और 5 का triplet भी नहीं बन रहा।
देयरफोर हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए रहेगा, एक 2 चाहिए रहेगा और एक 5 चाहिए रहेगा, दैट मीन्स हमें 10 चाहिए रहेगा। अगर हम 10 का 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। देयरफोर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 10 to make it perfect cube.